तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको माता रानी को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ऐसी तीन महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। माता रानी ऐसी महिला से कभी भी खुश नहीं होती, इसीलिए आप भी जान लीजिए कहीं आप इन तीन महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों चैत्र नवरात्रि इस बार 2 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं और 11 अप्रैल को समाप्त होंगे। नवरात्रि के ये दिन माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय सर्वोपरि है, क्योंकि ये समय अति उत्तम और बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस व्रत को ना ही रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं की बात करने वाले हैं दोस्तों, उन्हें नवरात्रों के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती है, आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी भी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिस बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और देती है वरदान। ऐसे में शेरा वाली माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों नंबर 2, एक वैश्य को नवरात्रि की व्रत कभी भी नहीं रखने चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। जब व्यक्ति की शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, इसीलिए आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती, ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। ऐसे में आप व्रत से दूर रहें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह, तो ये अगर समस्याएं हैं तो आप ये व्रत कभी भी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहे। वैसे भी माता रानी अपने भक्तों अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती। ऐसे में अगर आप जबरदस्ती व्रत रखते भी हैं और अगर आप तकलीफ सहते हैं तो इससे माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। दोस्तों नंबर 4, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे और शास्त्रों का पालन करे। दोस्तों नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोले। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान करते हैं और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को माता रानी की पूजा से, माता रानी के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको गलती से भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, वरना माँ हो जाती है क्रोधित। दोस्तों भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी भी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। नंबर 2, नारियल माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं।
एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है वो माता रानी के पूजन में सदैव आपको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें, कोई और नारियल इस्तेमाल ना करें। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, नारियल को सदैव लेटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटें और उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है, इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3, लौंग। दोस्तों लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती उसे आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इसीलिए सदा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं और फिर देखिए इसका चमत्कार, आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज का इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं, ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो भी कुछ अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघ कर नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी पूजन सामग्री सूंघनी नहीं चाहिए। सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। तो दोस्तों आपको ये गलतियां माता की पूजा में नहीं करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।